बहुत ही खूबसूरत जो पल है आप यहाँ पर देख सकते हैं, अंग्रेज महाराज को किस तरीके से प्यार गुलार करके यहाँ से विदा किया जा रहा है। काफी भव्य और शानदार माहौल यहाँ पर होता है आज किशोर सागर। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज है गणेश विसर्जन का दिन और आज आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पीछे काफी सारी जो पब्लिक है यहाँ पर गणेश जी महाराज को लेकर के आ चुकी है और काफी भव्य तरीके से आज यहाँ पर जो गणेश विसर्जन होता है ये पीछे आप देख सकते हैं काफी गजब का जो माहौल है आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ जो पर्दे हैं आप देख सकते हैं जहाँ पर तेजा जी का मंदिर है, तो आपको मैं आज पूरा माहौल दिखाने वाला हूँ किस तरीके से यहाँ पर गणेश विसर्जन होता है। सुबह से यहाँ पर जो लोग हैं आना शुरू हो जाते हैं और अपने गणेश जी को प्यार दुलार करके यहाँ पर जो बारह द्वारी है वहाँ पर विसर्जन करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के स्लो को शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको यहाँ का भव्य माहौल। फिलहाल आप यहाँ पर माहौल देख सकते हैं काफी गजब माहौल यहाँ पर आज पड़ते रहे गणेश विसर्जन को लेकर के। काफी सारी जो पब्लिक है यहाँ पर पहुंच चुकी है, यहाँ पर महिलाएं भी देखिए अपने पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पर पहुंची है और इधर देखिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन लगा हुआ है और साथ में देखिए यहाँ पर जो छोटे छोटे गणेश जी महाराज हैं ये लेकर के आ रहे हैं सभी। इधर भी आप देखते हैं काफी गजब का माहौल है आज यहाँ पर, ये बढ़ते रहा है यहाँ पर। देखिए कोई टेम्पू में लेकर के आ रहा है तो कोई अपनी गोदी में लेकर के यहाँ पर आ रहा है और काफी भव्य तरीके से ये जो गणेश विसर्जन है ये मनाया जाता है। फिलहाल आप देखिए ये माहौल। फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं भगवान गणेश जी महाराज की यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है और पूजा अर्चना के बाद में यहाँ पर गणेश जी का विसर्जन किया जाएगा। तो फिलहाल आप यहाँ पर देखिए इधर काफी सारी जो बोट है वो भी लगी हुई है यहाँ पर विसर्जन करने के लिए और उनमें आप देख सकते हैं यहाँ पर नारियल वगैरह भी रखे हुए हैं, तो जो सभी पत्ते यहाँ पर एक एक करके आ रहे हैं और साथ में गणेश जी का जो विसर्जन है यहाँ पर कर रहे हैं। काफी सारी जो बोटें आज यहाँ पर लगी हुई है क्योंकि प्रशासन ने पूरी व्यवस्था यहाँ पर की हुई है गणेश विसर्जन को लेकर के। फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं उधर वहाँ पर भी जो गणेश जी है उनकी पूजा की जा रही है और देखिए किस तरीके से जो गणेश जी को यहाँ पर लेकर के और आगे किशोर सागर जो तालाब है उसमें विसर्जन किया जा रहा है। सेफ्टी का पूरा यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं यहाँ पर गणेश जी को लेकर के आ रहे हैं और फिर बोट में बिठा करके और विसर्जन हो रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर जो गणेश जी का विसर्जन किया जा रहा है क्योंकि कई लोग नाले वगैरह में फेंक देते हैं, तो उससे अच्छा है कि इस तरीके से जो बोट में रख करके और गणेश जी को यहाँ पर विदा किया जाए क्योंकि रिद्धि सिद्धि के दाता है, बुद्धि के दाता है गणेश जी महाराज, तो विशेष तौर पर इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। फिलहाल आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पर किशोर सागर तालाब की। Thank you.
पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं अंग्रेज महाराज को किस तरीके से प्यार गुलार करके यहाँ से विदा किया जा रहा है। काफी भव्य और शानदार माहौल यहाँ पर होता है आज किशोर सागर तालाब पे। आप देख सकते हैं किस तरीके से अंग्रेज महाराज को यहाँ पर विदा किया जा रहा है और सभी नव आंखों से यहाँ पर रीति सुनने के जो दाता है बुद्धि के दाता है गणेश जी महाराज को यहाँ पर विदा कर रहे हैं। उस पल में आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ आज किशोर सागर तालाब पर। इधर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कुछ लोग आए हुए हैं और पूजा अर्चना के बाद में जो गणेश जी महाराज है यहाँ से विदा हो रहे हैं। फिलहाल आप लाइव तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं मेरे इस ब्लॉग चैनल के माध्यम से। उधर भी आप देख सकते हैं काफी सारी पब्लिक है और काफी भव्य माहौल आज यहाँ पर किशोर सागर तालाब पे। आप देख सकते हैं यहाँ पर बोटिंग वगैरह लगी हुई है और आप ये जो भी माला वगैरह हो रही है तो इसके लिए एक मशीन भी लगी हुई है यहाँ पर, तो इसकी जो साफ सफाई है उसका भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। तो फिलहाल आप देखते हैं काफी सारी जो माला वगैरह यहाँ पर इस तालाब में हो चुकी है। यहाँ पर भी आप देखिए किस तरीके से गणेश जी महाराज की जो पूजा अर्चना की जा रही है और उनको यहाँ पर मनाया जा रहा है। 10 दिन की पूजा अर्चना के बाद में गणेश जी महाराज को विदा किया जाता है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले पूजा अर्चना हो रही है और उसके बाद में जो गणेश जी महाराज है यहाँ से विदा होंगे। काफी खूबसूरत पल यहाँ पर आज गणेश विसर्जन को लेकर के आप देख सकते हैं। फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रेन लगी हुई है बड़ी मूर्ति के लिए। काफी सारे जो भक्त हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं आज। इधर आप देख सकते हैं क्रेन के माध्यम से यहाँ पर गणेश जी को निकाला जा रहा है जो गाड़ी में रखे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं गणेश जी यहाँ पर निकाल लिए गए हैं और अब यहाँ पर विसर्जन किया जाएगा। काफी सारी बोट यहाँ पर लगी हुई है आज। पूरी व्यवस्था पूरी सुविधा यहाँ पर आज गणेश विसर्जन को लेकर के की गई है। फिलहाल आप लाइव तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं। शाम को जब यहाँ पर भव्य शोभा यात्रा निकलेगी तो उसके बाद में जो बड़े गणेश जी हैं करीब करीब यहाँ से इस किशोर सागर तालाब में यहाँ पर विसर्जन किया जाएगा। तो फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रेन के माध्यम से गणेश जी का विसर्जन जो किया जा रहा है। इधर भी आप देख सकते हैं काफी सारे जो भक्त हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं आज। तो फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर क्रेन के माध्यम से गणेश जी का जो विसर्जन किया गया है। इस तरीके से यहाँ पर शाम को जब काफी सारी जो भव्य मूर्तियां वगैरह यहाँ पर पहुंचेगी गणेश जी महाराज की, तो इस तरीके से यहाँ पर एक एक करके जो गणेश जी का विसर्जन है वो किया जाएगा। फिलहाल आपको यहाँ पर खूबसूरत व्यू देखते हैं। ये कोटा का सबसे सुंदर तालाब है किशोर सागर तालाब, यहाँ पर कोटा में स्थित है। फिलहाल ये देखिए आप इधर भी काफी सारे जो भक्त हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं आज।
है।